शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत के बंदरगाह। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम तूतीकोरिन बंदरगाह। नटखट चंचल सोनू और उसके चाचा जी कैप्टन अशोक बंदरगाहों की यात्रा पर हैं। अशोक मर्चेंट नेवी में कप्तान है। आज वो दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों की यात्रा करेंगे, तो चलिए उनके साथ हम भी चलते हैं दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर। चाचा जी, अब हमारा जहाज किस ओर जा रहा है? सुनो बेटा, इस समय हम तमिलनाडु के समुद्री तट के साथ साथ चेन्नई की ओर बढ़ रहे हैं। चेन्नई यानी तमिलनाडु की राजधानी? हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो गए, बिल्कुल ठीक समझे तुम। वो तो है। पर चाचा जी, यहाँ समुद्र का पानी मटमैला सा क्यों लग रहा है? अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है तुमने। क्या बात है, यहाँ का पानी मटमैला सा क्यों है? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा। ये बंगाल की खाड़ी है और इसमें कई नदियाँ गिरती हैं। अच्छा। जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और गंगा। ये नदियाँ अपने साथ मिट्टी, गाद और रेत बहाकर लाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का पानी मटमैला हो जाता है। आई बात कुछ समझ में? हाँ, अब समझ में आ गया। इसीलिए भारत के पश्चिमी तट का पानी इससे अधिक साफ है, क्योंकि वहाँ कम नदियाँ गिरती हैं। समुद्र में वहाँ नदियाँ कम गिरती हैं। अच्छा बेटा, अब हम कुछ समय बाद तूतीकोरिन पहुँचेंगे। अच्छा, कहाँ पहुँचेंगे? तूतीकोरिन। हाँ, तुम तो एकदम समझ गए। ये जो तूतीकोरिन है, ये दक्षिण तमिलनाडु राज्य का एक मुख्य पत्तन है। अच्छा। ये मन्नार की खाड़ी के दक्षिणी छोर पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। क्या कहा? कोरोमंडल। कोरोमंडल, कोरोमंडल। अच्छा। क्या बोला? कोरोमंडल। हाँ, कोरोमंडल तट पर यह स्थित है। देखो सोनू बेटा, ये दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। अच्छा। हाँ, और यहाँ से बहुत आयात निर्यात होता है। बेटा, भारत के पूर्वी तट के साथ साथ जब हम कन्याकुमारी से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तूतीकोरिन बंदरगाह आता है। ये देखो, ये यहाँ पर है, ये तूतीकोरिन बंदरगाह इस नक्शे में। तूतीकोरिन, ये कैसा नाम है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो बेटा, तमिल भाषा में तूतीकोरिन को तुत्तुकोडी बोलते हैं। तुत्तुकोडी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा। तुमने एक बार फिर से बोलो। तुत्तुकोडी। तुत्तुकोडी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो अब इस बंदरगाह पर हम जरा उतरते हैं और आसपास का नजारा लेते हैं। आओ। हाँ, चलिए नीचे। तूतीकोरिन बंदरगाह पर पहुंचकर सोनू और अशोक जहाज से निकलकर आसपास के इलाके की सैर करते हुए आगे निकल जाते हैं। सोनू को इस तरह नई नई चीजें देखने में बहुत मजा आता है। घूमते घूमते सोनू और उसके चाचा जी रुक जाते हैं। कैप्टन अशोक सोनू को तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में बताते हैं कि ये कैसा पोर्ट है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। आओ मेरे साथ थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये देखो, ये जो जगह है ना, ये मन्नार की खाड़ी में स्थलबद्ध पत्तन है। यानी अच्छा। ये चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है। अच्छा अच्छा। इसीलिए इसे स्थलबद्ध पत्तन कहा जाता है। ये देखो, जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसका आकार घोड़े के खुर के जैसा है। घोड़े के खुर जैसा मतलब? मतलब ये कि ये एक ही जगह पर खुला है, जैसे घोड़े का खुर एक ही जगह से खुला। अच्छा, होता है। अच्छा, ये देखो, ये एक ही जगह पर खुला हुआ है। हाँ, और पत्तन का द्वार खाड़ी में अंदर की ओर यहाँ खुलता है। ठीक है। इसकी वजह से बेटा यहाँ तूफान की संभावना बहुत कम होती है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? देखो बेटा, इसकी दूसरी विशेषता ये है कि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अच्छा। हाँ, और यहाँ समुद्र का पानी हमेशा शांत रहता है। अरे, तुम्हारे अशोक चाचा जी की तरह।
और इसी वजह से यहाँ इस पत्तन का काम पूरे साल भर चलता रहता है। और वो देखो, वो सामने देख रहे हो तुम, यहाँ वो दो लाइट हाउस है। हाँ वो वाला। हाँ, वो एक जो लाइट हाउस है वो हरे आइलैंड पे है। अच्छा। और वो जो दूसरा वाला लाइट हाउस है, हाँ, वो डेविड पॉइंट पर है। ये सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तो तूतीकोरिन का पोर्ट दूसरे पोर्ट से बिल्कुल अलग है। हाँ, अब तुम्हारी जानकारी काफी बढ़ गई है सोनू। चाचा जी, सबको जानकारी आप ही से तो मिली है। वैसे क्या यहाँ और भी कोई पोर्ट है? हाँ हाँ, इसके अतिरिक्त एक दो छोटे पोर्ट यहाँ और हैं। उनके बारे में बताइए ना। तो सुनो, देखो तमिलनाडु के तट पर तूतीकोरिन और चेन्नई के बीच दो पोर्ट और हैं। अच्छा। पहला है नागापट्टनम। क्या है? नागापट्टनम। हाँ, ये कुडियार नदी के मुहाने पर बना हुआ है। अच्छा। और ये तंजौर जिले में स्थित है। और दूसरा पोर्ट है कुडलूर पत्तन, ये पश्चाय जल पर बना है। अच्छा। क्या नाम है इसका? कुडलूर पत्तन। हाँ, यहाँ से कोयला आता है। अन्य स्थानों के लिए कोयले का वितरण यहीं से होता है। अच्छा। और एक खास बात और, ये दक्षिण रेलवे से जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई मानसून के समय समुद्र के प्रचंड हो जाने के कारण ये पोर्ट बंद रहता है। तो क्या पोर्ट भी बंद हो जाते हैं? हाँ बेटा, कुछ तटीय भागों में समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती। अच्छा। और तूफान जैसी दशा हो जाती है, इसलिए पत्तन का कार्य धीमा हो जाता है। और उस समय मछुआरों को भी चेतावनी दी जाती है कि वो समुद्र से दूर रहे। घूमते घूमते सोनू और उसके चाचा जी आगे बढ़ते हैं। तभी सोनू को सफेद सफेद ढेर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर सोनू पूछता है, ये सफेद छोटे छोटे ढेर क्या है? तुम इतना भी नहीं समझे? सोनू बेटा, ये नमक के ढेर हैं। नमक के ढेर। अच्छा। यहाँ नमक बनता है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने कांधला बंदरगाह के आसपास देखे थे। अब तुम समझे। तो क्या तूतीकोरिन में बस नमक ही बनता है? नहीं नहीं बेटा, यहाँ और भी बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा। बहुत सारी चीजों का व्यापार होता है। तूतीकोरिन पिछले लगभग 100 साल से समुद्री व्यापार और हाँ मोती की खेती से जुड़ा हुआ है। मोती जिसकी माला भी बनती है? हाँ? अरे वाह। अरे देखिए चाचा जी। क्या? वो देखिए सीपियाँ। अरे हाँ। कितनी सुंदर है। मैं सीपियाँ इकट्ठी कर लूँ चाचा जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ 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 जाओ। हाँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो है लाल वाली। चाचा जी वो शंख जैसी लेते ना। ये कितनी बड़ी, जो रेत की नीचे आधी दबी है, इसको निकालो। अरे अरे संभल के संभल के संभल के। हाँ बस तुम एक काम करो, इसको छोड़ दो। हाँ, दूसरी वाली उठा। अरे डरो मत, ये काटेगा तो नहीं ना? नहीं काटेगा, तुम बस इससे दूर हो जाओ। हाँ, ठीक है। ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। चलो वहाँ सामने से सीपियाँ उठा लेते। हाँ ठीक है, चलिए। ये ना। हाँ। सुनो बेटा, यहाँ के तट के आसपास कृत्रिम रूप से मोती तैयार किए जाते हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त यहाँ कपास की खेती भी बहुत होती है। ओ। तुम्हें अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में कुछ पता है? हाँ मैंने पढ़ा था थोड़ा सा। हाँ, तो अमेरिका की सिविल वॉर यानी गृह युद्ध के समय यहाँ की कपास की मांग बहुत बढ़ गई थी। हाँ। और तब ये छोटा सा नगर अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर छा गया था। यानी ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। और फिर मदुरई कोयम्बटूर के क्षेत्रों में सूती कपड़े के कारखाने खोले गए थे। अच्छा। और श्रीलंका मलेशिया को भी यहीं से सामान निर्यात होने लगा। इसका मतलब कपास और मोती के लिए प्रसिद्ध है। भाई चाचा जी, मुझे तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए चारों तरफ समुद्र, दूर दूर तक पानी और ठंडी ठंडी हवा। तभी तो चाचा जी आप यहाँ ज्यादा देर तक रहते हैं। भाई ऐसा है, समुद्र और मेरा तो बस चोली दामन का साथ है। पर अच्छी बात यह है कि तुम्हें भी समुद्र पे रहना या समुद्र के तट पे रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ चाचा जी, मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा वो देखो, एक और जहाज समुद्र के अंदर। हाँ वो रहा। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। और उस जहाज के ऊपर वो जो सूरज की किरणें ऐसे पड़ रही हैं, देखो बिल्कुल एक मृग तृष्णा सी बन रही है। हाँ। और सूरज की किरणें जब लहरों पे पड़ रही हैं तो एकदम लहरें सोने के जैसी लग रही हैं। खैर
ये बताओ सोनू बेटा, क्या तुमने श्री वी चिदंबरम पिल्लई का नाम सुना है? श्री वी चिदंबरम पिल्ले? जी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। बेटा वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों में से एक थे। प्रमुख सेनानी? उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी जहाज एसएस गायला सन 1906 में शुरू किया था। सन 1906 में? पर तब तो भारत में अंग्रेजों का राज था ना? हाँ बेटा, उस समय भारत पर अंग्रेजों का ही राज था। तब तो श्री चिदंबरम को जहाज शुरू करवाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ ये तो है बेटा, पर वो बहुत परिश्रमी और बहुत बहादुर थे। अच्छा, तभी तो उन्होंने ऐसा कर दिखाया। तूतीकोरिन में समुद्र के किनारे घूमते घूमते जब सोनू और कैप्टन अशोक बंदरगाह पर वापस आए, तब तक जहाज पर सामान लगभग लादा जा चुका था। सोनू को बड़े बड़े कंटेनर्स दिखाई दिए और सोनू ने पूछा, चाचा जी, इन कंटेनर्स में क्या क्या सामान भरा जा रहा है? बेटा यहाँ से कोयला, नमक, खाने का तेल और रसायन का व्यापार होता है। अच्छा। तूतीकोरिन का पत्तन बहुत आधुनिक है। वो इस पोर्ट के सारे काम कंप्यूटर्स, मशीनों और क्रेन से होते हैं। इसीलिए इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। और ये जो ये बड़े बड़े कंटेनर्स तुम देख रहे हो ना, इनमें व्यापार का सामान दूसरे देशों को भेजा जाता है। अच्छा। यहाँ से श्रीलंका और दक्षिण एशिया के देशों से बहुत व्यापार होता है। अरे सोनू क्या हुआ, तुम यहीं क्यों बैठ गए भाई? चाचा जी बस अब मैं थक गया हूँ, यहीं बैठ कर आराम करूँगा। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, पर मुझे अभी कुछ काम करना है। मैं थोड़ी देर के लिए जहाज पर जाऊंगा और फिर लौट के आऊंगा। तब तक तुम यहीं बैठो, आराम करो। हाँ, तब तक मैं सीपीओ से घर बनाता हूँ, फिर हम उसमें रहेंगे। अच्छा, तो फिर थोड़ा बड़ा घर बनाना। क्यों नहीं चाचा जी। और कहीं और नहीं जाना, मैं आता हूँ। जी चाचा जी। तूतीकोरिन बंदरगाह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय परामर्श अख्तर हुसैन, विषय संयोजन डॉक्टर माधवी कुमार, आलेख माधवी मेनन, निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार बाबला कोचर, नीलम मलकानिया और रसज्ञ, तकनीकी निर्देशन सतीश लाडे, ध्वनियांकन चंदन सिंह तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।